तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद कल रात में चौपता में ही रुक गया था और आज की सुबह हुई अपनी चौपता से। और इधर में रोड के ऊपर है ना रेस्टोरेंट थे, तो इन्होंने मेरे को रहने के लिए जगह दे दी थी। इधर में अपने कैंपिंग टेंट लगा लिया था। तो जय बोले कि प्यार परी सत श्री अकाल, कैसे हो आप, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का अपना सफ़र रहेगा जो बद्रीनाथ की तरफ रहेगा, 200 किलोमीटर है इधर से। देखते हैं कौन अपनी मदद करता है, कौन हमें छोड़ता है, क्योंकि इधर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम चल रहे हैं। कम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यात्रा का सीज़न है, सभी ऑलरेडी बुक चल रहे हैं। टैक्सी भी बुक है, बसेस भी बुक चल रही हैं। तो इधर में मेरे को कोई गवर्नमेंट बस भी नहीं दिखी। अगर गवर्नमेंट बस भी होगी तो उनका भी पक्का टाइम होगा, बट अभी तक कोई निकली नहीं है, क्योंकि मैं 6 बजे का उठकर बैठा हूँ, यही देख रहा था कि कब कोई निकले, मैं बैग उठाऊँ और निकलूँ इधर से। बट एनीवेज नो प्रॉब्लम, कोई ना कोई यात्री जो जा रहा होगा गाड़ी में या मोटरसाइकिल में बैठ के, उनसे चले जाएंगे हम आगे की ओर। आगे 20 किलोमीटर बाद एक गांव है, बड़ा सा गांव है, उधर से शायद हमें बस मिल जाए। तो अपने बैग पैक हो चुके हैं, रात इधर ही टेंट लगा लिया था। अभी ऊपर से खाना पीना खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय, और फिर निकलते हैं आगे की ओर। थोड़ा सा टाइम तो वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और थोड़ा सा हम बाहर निकलेंगे क्योंकि आगे है ना सारा ही जंगल जंगल है। इधर से तो दिखाई नहीं देता, मतलब ऐसा ही है, सेम रास्ता है, ऐसा ही आगे जंगल जंगल ही है। तो चलते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं लेके बोले का नाम जय बोले की। देख रहे हो ना, धुंधी धुंध हो गई है, और अपना खाना पीना हो चुका है, अभी निकल चुके हैं आगे की ओर। तो देखते हैं कहाँ तक हमें हमारी टांगे लेके जाती हैं कि कहाँ पर ब्रेक लगेंगी। ओ यार, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, और ये ना सारा जंगली जंगल है। इधर में कुछ, मतलब क्या कहते हैं, रहने वाले लोग नहीं है, सारा जंगल है। इधर में जानवर ही जानवर है हर जगह। कल रात भी मैंने है ना आवाज़ें सुनी थी, 4-5 पता नहीं क्या चीज़ थी, पर आवाज़ें अजीब अजीब सी थी। तो अभी इधर वेट करते हैं, कोई आएगा तो फिर निकलते हैं हम। यार इधर तो ना बारिश शुरू हो गई, अभी चलते चलते 2 मिनट भी नहीं हुए, हल्की हल्की से ना बूंदाबारी शुरू हो गई, आप देख सकते हो। क्या बनेगा यार अपना, ट्राई करते हैं अगर कोई लेके जाएगा। सारी है ना यात्रा के लिए फुल है, कोई लेके नहीं जाता यार, जगह ही नहीं है किसी के पास। चलो चलते हैं धीरे धीरे, बारिश का आनंद मानते हैं, ज़्यादा बारिश ना हो जाए, हल्की हल्की सी तो चल जाती है, आपको पता ही है। तो ठीक है यार, देखते हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, नीचे देखो। ये देखो आगे ना मंडल गांव है, पता नहीं 22 पता नहीं 23 किलोमीटर है, उससे पहले कोई गांव नहीं है, सारा जंगली जंगल है। इस तरह से अभी हल्की हल्की सी धुंध क्लियर होने लगी है, तो अच्छा दिख रहा है, पहाड़ियाँ खाइयाँ बड़ी बड़ी। और इधर से हम अकेले वॉक करते जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं यार बद्रीनाथ, शाम तक होप सो पहुँच जाएँ। सुबह के अभी बजे हैं 8:50, तो देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। देख रहे हो ना जंगल के अंदर जानवर भी होते हैं, ऐसे डर लगता रहता है यार कि कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, पता नहीं क्या खड़ा है यार, ये देख सकते हो वो भाग गया। अकेला बंदा वॉक करता जा रहा है, डर भी लगता है कि जंगल से जानवर ना आ जाए, इस चीज़ का डर लगता है, और किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हम संभाल लेंगे, बस सिर्फ इसी बात का डर रहता है। चलते हैं जहाँ तक सफर लेके जाता है, निकलते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए जो रूट है ना, बहुत डेंजर है यार, जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। अभी है ना मैंने इधर में जानवर देखा एक और मेरी तो सांस ही रुक गई। और नीचे देख सकते हो यार आप, जंगली जंगल है, कि जंगल में से बीच में से रोड जा रहा है, कैसे वॉक करूं मेरे को समझ ही नहीं आ रही। तो अभी मैंने डिसाइड किया मैं इधर 5-10 मिनट वेट करता हूँ,
कोई ले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जय बोले कि चलते जाएंगे, जो हो जाएगा देखी जाएगी यार, भगवान के सहारे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अगर कोई लेके जाता है हमें। गाड़ियां तो आ रही हैं पर फुल ही जा रही हैं यार सारियां। ट्राई कर लेते हैं अगर ले जाएगा कोई यार। खाली है फिर भी नहीं लेके गया, चलो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं नीचे से शॉर्टकट लेते हैं फिर, और क्या है। जय बोले कि जी, बोले बाबा तेरे दरबार पे जा रहे हैं, रक्षा करना, भूल चुक हो गई है तो क्षमा करना, चलते हैं। ये रास्ता कहीं जा तो रहा है बट मेरे को पता नहीं है कि कहां पर जा रहा है। मैं भी चल रहा हूं इसके संग संग, तो शॉर्टकट की बजाय लॉन्ग कट सही रहेगा, रोड से चलते हैं। कोई गाड़ी आ जाएगी, कोई जानवर आ जाएगा तो बचा भी लेगा कोई ना कोई गाड़ी वाला, कहीं शॉर्टकट के चक्कर में शॉर्टकट ही ना हो जाए अपनी ज़िंदगी का। ओहो गाड़ियां बहुत जा रही हैं यार, कोई पढ़ा नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। इधर में देखा है यार उत्तराखंड के लोग बिठा लेते हैं कभी कभी, मूड पे डिपेंड करता है उनके, क्योंकि मैंने कल भी बहुत ज़्यादा वेट किया और आज भी कर रहा हूँ। बाकी तो ज़्यादातर गाड़ियाँ तो दिल्ली बॉम्बे राजस्थान साइड की हैं, वो भी नहीं बिठा रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। ए भगवान कोई भेज दे बंदा यार, चले जाएंगे। चलो ट्राई करते हैं एक और, लेट्स गिव इट ए ट्राई, अगर कोई लेके जाएगा। सर जी आगे तक छोड़ दोगे? आगे जो आगे गांव आएगा। एक्चुअली मैं ना चारधाम की यात्रा कर रहा हूँ तो कोई गाड़ी में हेल्प नहीं कर रहा, लोगों की मदद लेके कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। लगी तो नहीं? बद्रीनाथ इधर से अभी भी 117 किलोमीटर पड़ा है और मैं मंडल में पहुंच चुका हूँ। शुक्र है यार भगवान का, कोई ना कोई मिल ही गया था तो इधर तक छोड़ के। अभी इतने इंतजार करते हैं, कोई बस आएगी तो निकलेंगे बद्रीनाथ की और बस लेकर ही निकलेंगे। अंकल जी जय बोले की, कैसे हो आप? ठीक है। अच्छा इधर से बस जाती है कोई बद्रीनाथ को? हाँ बद्रीनाथ को नहीं जाती बस। कहाँ तक जाएगी? चमोली तक जाएगी बस? चमोली तक तो मिल ही जाएगी, कोई ना कोई मिल जाएगी बस, आती रहती है इधर। ओके छोटी गाड़ी में जाने पड़ेगा, छोटी गाड़ी में जाने पड़ेगा। अच्छा कितने पैसे लेता है छोटी गाड़ी वाला? अभी तो है एक गाड़ी अभी गई फिर आई हां गोपेश्वर से 40 चमोली, मतलब 100 रुपया लेगा चमोली का। 100 रुपया मान के चलो, ठीक है। हां जी कितना किराया है? 65-70 रुपया। ओके ओके ठीक है दोस्तों, चलो वेट करते हैं। कोई एक 15-20 मिनट तक आ ही जाएगी कोई ना कोई, कोई चलती कोई रहती होगी इधर से तो। ठीक है ठीक है, ठीक है जी, पैसा बनता है। तो लो जी अभी तक है ना 2-3 घंटे हो गए मंडल के अंदर ही बैठा हूँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई बस नहीं आ रही। पहले एक भैया के साथ पीछे गया, वो शादी वाली बारात थी तो भैया तो बैठ के निकल गए, एक बंदे की सीट थी, मैं ही रह गया इधर। तो मैं इधर बैठा हूँ अभी, मैं कहा चल चाय पानी पी लें। ऊपर से अंकुश भी आ रहा है, उसका फ़ोन आ गया था, बोला मैं भी आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं कहा चल वेट कर लेते हैं। तो देखते हैं इधर में कोई सरकारी बस भी नहीं चलती है ना भैया जी? कोई भी नहीं चलती है ना, बस टैक्सियाँ बुकिंग पे ही जाता है सब कुछ। आज तो बुकिंग भी नहीं मिलेगी क्योंकि शादी पे लगी हैं सारी गाड़ियाँ। मिल जाएगी टैक्सी? अच्छा टाइम लगेगा और, चलो देख लेते हैं यार थोड़ा टाइम और इंतजार कर लेते हैं, इतने चाय पीते हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा, नहीं तो फिर लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा किसी से। ओहो चलो भैया एक वो भी दे दो, वो फैन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे भैया, क्या? अच्छा क्रीम रोल है ये, अच्छा माँ की तो फैन है, फैन अलग होता है ना। वाह वाह क्रीम रोल, लो भैया जी। इंतजार करते करते ना दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली, तो अंत में मेरे को वॉक करके ही निकलना पड़ा कि देखते हैं यार वॉक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और 12 बजे अभी वीडियो भी अपलोड हो गई है। चलो टाइम भी वेस्ट नहीं हो अपना, जितना टाइम हम बैठे रहे वेट करते रहे वीडियो भी अपलोड होती रही साथ की साथ। उम्मीद है आपने देख ली होगी तुंगनाथ मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर, वीडियो आ गई है उसकी, तो लास्ट वाला व्लॉग जरूर चेक करना। बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा कि मैंने ऐसी चीज़ बनाई है कुछ, तो ज़रूर जाकर एक बार चेकआउट करना। तो चलते हैं, वॉक करते जाते हैं और रास्ते में लोगों को हाथ देते जाते हैं कि कोई तो बिठा लेगा, क्योंकि बस की आपको मैंने बता ही दिया बड़ी समस्या है, इधर गंभीर समस्या है, उत्तराखंड सरकार को इस पे गौर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो चलो यार चलते हैं, जब बोलेगी ठंडी ठंडी हवा, उत्तराखंड की इस वादियों का आनंद मानते हैं। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। मेरे को लगता है बोले भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी, परीक्षा भी क्या, कि वो चाहते हैं कि आप बेटा जी चारों धाम की यात्रा कर रहे हो ना, तो उसमें से 60-70% आपकी पैदल यात्रा होनी चाहिए, बोले भगवान ये चाहते हैं शायद। बट कोई ना, बोले जी हम भी आ रहे हैं पैदल पैदल ही, अगर गाड़ी ना मिली तो। इस तरह का नजारा है और यहाँ तक कैसे खूबसूरत है यार। जय बोले की, बोले बाबा लेकर आए भाई मेरे को, हैं निकली, बोले बाबा लेकर आए। कैसे हो भैया? किसने आए भैया? तो लो जी अपने दोस्त भी मिल चुके हैं, तो जय बोले की, भोलेनाथ की कृपा हो गई है। बोले बाबा को मैं प्रार्थना ही कर रहा था बैठा मन ही मन में कि कोई ना कोई आ ही जाए, आ ही जाए, तो आ ही गए। तो चलो चलते हैं। थोड़ा सा ना। तो दोस्तों फाइनली आधे घंटे का सफर किया गाड़ी में और पहुंच चुके हैं गोपेश्वर। गोपेश्वर है ना भैया ये? गोपेश्वर मां के तो गुप्तेश्वर है, गुप्तेश्वर भी है ना, गोपेश्वर। और इधर से अभी जाना है हमने चमोली, जो कि है 10 किलोमीटर। सही बोला ना भैया? 10 किलोमीटर है और उसके बाद हाईवे पड़ेगा बड़ा, सीधा जाएंगे हम बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे शायद शाम तक। गुप्तकाशी आने वाले नहीं यार, जोशीमठ फिर। चलो इनको भी नहीं पता, जैसा होगा बता दूंगा। तो चलते हैं अभी यार, शुक्र है शेयरिंग कैब मिल गई, इसमें में भी 30-40-50 रुपए लगते हैं, इतने ही है ना भैया? कितने रुपए लेते हो? 30 रुपए, वाह क्या बात है, चीपेस्ट, सही है। पर इधर में है ना यार गवर्नमेंट बसेस नहीं है तो शेयरिंग टैक्सी चलती हैं ज़्यादा, तो ठीक है चलते हैं, 15-20 मिनट लगेंगे, फिर उधर जाके मिलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, पेट में भूख भी लगी है यार, सुबह को कुछ खाया ही नहीं है, चलती जा रहे हैं। बोले बाबा पता नहीं किस हमारे मतलब क्या बोल सकते हैं, पाप का फल दे रहे हो, पाप का फल वो कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, ये कभी चल रहे हैं कभी गाड़ी में बैठ जाते हैं कभी चलने लग जाते हैं, भगवान जल्दी नहीं मिलते हैं ना। हाँ सही बात है, तो चलो यार चलते हैं, करते हैं अपना सफर शुरू, लेते लेके बोले का ना, जय बोले की। इधर से अपना सफर है जो माना लास्ट विलेज है ना, 98 किलोमीटर है और इससे पीछे 3 किलोमीटर पीछे बद्रीनाथ है। तो अभी हम है चमोली में, चमोली से बस लेकर जा रहे हैं। वैसे तो ना चार धाम की यात्रा गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ फिर बद्रीनाथ की होती है, बट हम उल्टी कर रहे हैं। ऐसी क्यों होती है मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ रोड से, क्योंकि 5 पांडवों ने भी उधर से शुरू किया था, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ फिर बद्रीनाथ, इस तरह से सीधी मानी जाती है, बट हम उल्टा कर रहे हैं, भोलेनाथ क्षमा करें। तो चलते हैं, लेते हैं अपनी इधर से गाड़ी, निकलते हैं। ये बुकिंग वाली है, मैं तो अब खुशी खुशी में पागल हो गया था कि बस मिल गई मेरे को। चलो कोई ना 5-10 मिनट वेट करते हैं, कोई ना कोई गाड़ी आएगी फिर निकलते हैं। भैया जी जोशीमठ तक जाओगे? लो जी गाड़ियां भी मिल गई हैं, बस है? ये भैया बोल रहे हैं उधर, उधर वाले इधर बोल रहे हैं, कैसे कि तीन है भैया, भर जाएंगे गाड़ी, भर जाएगी आपकी। लो जी फाइनली गाड़ी मिल गई है, तो चलते हैं आगे बैठते हैं, आगे मजे से लेंगे हैं। भैया आगे बैठ जाएं, भैया वीडियो बनानी है आगे बैठ जाएं, दो आगे बैठ जाएंगे।
ना श्रद्धालु साइकिल पे भी जाते हैं। वाह यार, ओ गुरुजी बैग दे दो बैग, ये गुरुजी। ओ भाई नुकसान कर दिया भैया, ओ 150 का नुकसान कर दिया आपने। इतनी महंगी भुगतान मैं कैसे करूंगा भैया। तो दोस्तों एक घंटे के सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ में, और इधर से बद्रीनाथ का जो सफर है 30 से 35 या 40 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कोई ना कोई टैक्सी आ जाए। और भैया ने मेरा नुकसान कर दिया यार, मेरी डीकैथलॉन वाली बोतल चूर चूर कर दी भाई ने, क्या कर दिया यार ये। तो अभी 5-10 मिनट इधर वेट करते हैं, कोई ना कोई बस या गाड़ी आएगी, फिर निकलते हैं आगे की ओर। जय बद्री विशाल की जय, जय बद्री विशाल की जय। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे तो नहीं आ रहा है, हमारा आवाज आप लोगों से ऊंचा, इतने लोग हैं तब तो एक आदमी का आवाज इतने लोगों पे भारी पड़ना चाहिए ना, फिर से कोई करता है। अभी समय दो थोड़ा सा, कुछ खा पी लीजिए। अच्छा तो फिर से बोलते हैं जय बद्री विशाल की जय। आप थोड़ा सा, तो बद्रीनाथ की इस पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं यार, 2-3 घंटे की जर्नी की बस के अंदर, और बड़ा मज़ा आया। खड़े होके गए क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है, दिन प्रतिदिन श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा आपको पता है 8 तारीख को कपाट खुले थे, बट आज 10 तारीख हो गई है, तो श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी हम कहीं टेंट लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं, और कुछ इस तरह का माहौल है यार, ऊंचे ऊंचे पर्वत, ठंडी ठंडी हवा, कहीं कहीं पर तो आइस भी दिखाई दे रही है। तो अभी कहीं टेंट लगाने की जगह ढूंढते हैं और खाना पीना खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी है, सुबह के चले हुए हैं, तो पावर बैंक भी डेड हो गए हैं। पहले तो हम सोच रहे थे किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे, बट धर्मशाला में रुकने का फ़ायदा नहीं है जब अपने पास सारा कुछ है, सामान है। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़े समय के बाद, जगह ढूंढते हैं कोई अच्छी सी, फिर मिलते हैं आपसे, खाना पीना खाते हैं। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। तो भोले बाबा की ये भी कृपा होगी, भूख इतनी ज़बरदस्त लगी थी ना, और भैया जी मिल गए, भैया जी इधर के ही रहने वाले हैं ना भैया। तो भैया से मैंने पूछा कि भैया भूख बहुत लगी है, लंगर कहाँ है? भैया बोले नीचे लंगर लगा हुआ है, खुला भर पेट खाओ। तो अभी लंगर खाने चलते हैं पहले, फिर ढूंढते हैं रहने की जगह कहीं पर। खाने का प्रबंध हो गया है तो आई एम श्योर कि रहने का भी प्रबंध कहीं ना कहीं कर ही देंगे भोले बाबा अपने आप। तो चलते हैं अभी, पहले लंगर खाते हैं फिर कपड़े पहनते हैं। यार ठंड बहुत ज़्यादा है इधर में, केदारनाथ से ज़्यादा ठंड है इधर। तो चलते हैं अभी धीरे धीरे। और इधर में है ना सिटी का सारा मतलब मास्टर प्लान बन रहा है, नई सिटी बन रही है, आने वाले 5-6 सालों में पूरा आपको अलग तरह का ही बद्रीनाथ देखने को मिलेगा, है ना भैया? दो तीन साल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं भैया? कुछ चेंज हो जाएगा बिल्कुल, मतलब दुकानें, मार्केट बहुत ही आपको सामने आके मैप दिखेगा, मैप अच्छा सब कुछ देख दो। अरे वाह वाह, मैप दिखाऊंगा यार, मास्टर प्लान बन रहा बड़ा जबरदस्त। तो चलते हैं लंगर खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जय हो। ये वाला अच्छा लंगर, बंसी वाले बाबा जी का लंगर लगा हुआ है, अच्छा उनके द्वारा करवाया जा रहा है। ओहो हो हो, आप नहीं खाओगे? जय हो जय हो। तो लो जी अपना लंगर आ चुका है, भोले बाबा का प्रसाद, आपको पता है चने, मिठाई और पूरियां। अच्छा आपने देखा था? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जी। कैसे हो भैया, कहाँ से आए हो अंकल जी आप? मैं इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से। अरे बाप रे, इतनी दूरी से कितने, कहाँ बद्रीनाथ आए पहले या केदारनाथ भी गए? अच्छा सीधा इधर आए, अभी इधर से कहाँ जाओगे? केदारनाथ। वाह वाह सही है सही है। और भैया ठीक हो? मैं भोपाल से आया हूँ। भोपाल से आए हो आप? केदारनाथ होके आए हो बद्रीनाथ? अरे वाह वाह सही है सही है। जाऊंगा। वाह वाह जय भोले की जी, जय भोले की। तो ठीक है दोस्तों अपना भोजन करते हैं, फिर आपको जगह ढूंढते हैं यार रहने के लिए, कोई ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है इधर में। मैं पंजाब के रहने वाला हूँ जी। जय भोले की जी, जय हो।
तो कुछ इस तरह का मास्टर प्लान बन रहा है मंदिर के लिए। ये मंदिर का मास्टर प्लान है, बाकी सिटी का मास्टर प्लान मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और आप भी कर लीजिए बाबा जी के दर्शन, जय बद्री जी की। सुबह मंदिर के अंदर लेके जाएंगे, पर फिलहाल आप बाहर से दर्शन कीजिए। बाबा ने बुलाना था तो हम आ गए। हम तो रहने की जगह ढूंढ रहे थे, बट बाबा के दर्शन होने थे तो इसीलिए हम आ गए हैं। अभी हम रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। रहने के लिए जगह तो हर जगह मिल रही है, बट चार्जिंग का पंगा हो रहा है यार। हमारे सारे पॉइंट्स डेड हो गए हैं, तो हम चार्जिंग की जगह ढूंढते हैं अभी, फिर मिलते हैं, दिखाते हैं कहाँ पर रह रहे हैं यार। जय हो बद्री जी, जय हो। शयनम शीलम विवेक्षण पद प्राप्ति भानुमत सेवा मंत्र योग माये।